बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली बीपीएससी द्वारा जो रिजल्ट जो है सभी पब्लिश कर दिया गया है, और करने के बाद में जो भी बच्चे असफल रहे हैं कम नंबर से, सपोज द डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट गए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर से छूट गए, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी मौका निकल के सामने आ रही है। आपको फिर से 40,000 सीट, जी हाँ फ्रेंड, 40,000 पदों पर बहाली देखने को मिलेगी। यह गुड न्यूज है क्योंकि यहाँ पर माननीय केके पाठक सर जो है एक इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर क्लियर कर दिए हैं कि अब ये जो बहाली की प्रक्रिया जो है, सिलसिला जो है, जब शुरू हो गई तब हर साल बीपीएससी आयोग के पास ये रिक्त पद जो भी रहेगी, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, आप जिस भी वर्ग के लिए इलिजिबल हो उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूँ, हर अगस्त में ये बहाली आने वाली है और कितनी सीटों पर आएगी वो आप अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 40,000 सीट ये कम से कम मिनिमम रखा गया है। इससे ऊपर में ही आपको देखने को मिल सकता है, उससे नीचे नहीं, ठीक है ना। तो ये जो सीट के आंकड़ा तभी निकल के आएगा जब मतलब हर स्कूल का निरीक्षण होगा, वहाँ से पता चलेगा कि किस में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, उस अनुसार से है आपका बहाली निकल के सामने आएगा। तो जो भी बच्चे कम नंबर से असफल हो गए वो निराश हताश नहीं होना है, क्योंकि बहुत ही जल्द अब जो है दिसंबर खत्म है, जनवरी आने वाली है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपको कम से कम 4-5 महीना 6 महीना आपको तैयारी करने का मौका मिल चुका है। आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए और इसमें अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी द्वारा 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली गई है, तो वहाँ से आपको अनुभव मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आ रही है और किस तरीके से पूछे जा रही है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या रिक्वायरमेंट है बीपीएससी का, उस तरीके से आप तैयारी कीजिए, आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। यही रिक्वेस्ट है जो जितने भी कम नंबर, अब देखिए मेन बात है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट, अब आप लोगों का ये भी डिमांड है कि सर इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए, अगर शिक्षा विभाग चाहेगी तभी यह सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकती है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद सर ने साफ तौर पर इंटरव्यू में क्लियर कर दिए थे कि अगर देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान अगर शिक्षा विभाग के आदेश से ही होगा, अगर शिक्षा विभाग चाहेगी कि जो रिक्त पद बच गई, जैसे मल्टीपल रिजल्ट से जो भी सीटें उत्पन्न होगी, खाली सीट होगी, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला बात है, ये शिक्षा विभाग के मतलब हाथों में है, वे जब चाहेगी, वे जब ऑर्डर देगी तभी यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले बार आप देखेंगे बीपीएससी TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बहुत ही कम सीटों पर आई थी, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट वाले पर ही आई थी, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखने को मिल सकती है। ये क्लियर नहीं है अभी, लेकिन मिल सकती है। अब इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी भी का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। चलिए इस वीडियो में नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।